पापा आप? हाँ बेटा, बस तुम्हें समझाने के लिए आया था कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस्माइल के घर से खामोशी के साथ वापस आ गए। बेटा, औरतों के झगड़ों में मर्द के पास सबसे बेहतर हथियार होता है खामोश रहने का। ये जो औरतों के झगड़े होते हैं ना, ये कच्चे जहन की तरह होते हैं, और मर्द के झगड़े उनके आसाब की तरह मजबूत होते हैं। थैंक यू बाबा, आपने तो सब कह के मेरा दिल हल्का कर दिया, वरना मामा तो बातें सुनाकर। बेटा, इसीलिए तुम्हारे पास आया था, मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके अपने रिश्ते को बचाओ। बेटा, मैं थोड़ा झिझक रहा हूं कैसे बात करूं। आरिज की शादी के बाद वो फौरन कैसे हुदा की शादी कर सकेगा, समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन बात तो करनी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले तुम हुदा से मिलो, उसके साथ बात करो, अपने किले शिकवे दूर करो। बेटा, एक बात याद रखता, गलत फहमी की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनाए जाते। बात करो उसे, मिलो, तमाम गलत फहमियां दूर करो, उसके बाद मैं बात करता हूं इस्माइल से, ठीक है? जी बाबा। शाबाश।